दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो आपकी परीक्षा 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक झारखंड बोर्ड के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, आज हम इस चैप्टर का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। बच्चों, आज ही आपके मॉर्निंग में आपके जैक बोर्ड ने आपका परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया है। 6 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 16 फरवरी को जो आपका मुकाबला होने वाला है वो फिजिक्स के साथ होगा। यदि बच्चों आपको अभी भी अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना है ना, तो आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ अब 2 ही माह बचे हुए हैं। यदि बच्चों आपको कुछ करना है जिंदगी में तो अभी भी मौका है और मौके पे चौका मार दीजिए, रेगुलर क्लासे लीजिए। हमारा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का जो अपडेट है वो समय समय पर मिल सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस इन इंडिया, भारत में आपूर्ति की प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज। तो मैं आप सभी बच्चों को बता, जो हमारे घरों में जो धारा आती है प्रतिवर्ती, उसकी जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज होती है। मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न की जा सकती है? चोक कॉइल से बिल्कुल नहीं कर सकते आप, विद्युत मोटर से आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर तो करंट को ही ज्यादा कम करने का काम करता है, डायनोमो बच्चों एक ऐसी युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा आपकी उत्पन्न कर सकती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी बच्चों आपकी डायनोमो हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लगा दीजिए जोर बच्चों क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट अधिकतम शक्ति वह प्रदर्शित करता है? अधिकतम शक्ति सबसे ज्यादा कौन से सर्किट में खर्च होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है पी बराबर में बी आई कोस फाई। अब देखो पावर जो है सबसे ज्यादा कब आएगी बच्चों, जब आपका जो कोस फाई का मान है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और जब कोण आपका जो फाई है कालांतर, यदि आपका 0 डिग्री होगा तब कोस फाई का मान आपका 1 हो जाएगा, तो शक्ति आ जाएगी पी बराबर वीआई, जो आपकी रहेगी अधिकतम। तो कालांतर जो 0 डिग्री होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमेशा आर सर्किट के अंदर होता है, इसीलिए आप देख लीजिए शुद्ध प्रतिरोधक प्रतिरोध, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है बच्चों, वो भी काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा आपूर्ति की आवर्ती बढ़ने पर प्रेरित प्रतिघात का क्या होता है? आपने आवर्ती बढ़ाई तो प्रेरणिक प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आपको बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, प्रेरणिक प्रतिघात का जो फॉर्मूला होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfL। अब आपने आवर्ती बढ़ाई फ्रीक्वेंसी, तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सएल आपका बढ़ेगा, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात आपकी बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रतिरोध बढ़ने पर एलसीआर सर्किट के विशिष्टता गुणांक का क्या होता है? एलसीआर परिपथ का जो विशिष्टता गुणांक है बच्चों, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसे आप क्वालिटी फैक्टर के नाम से जानते हो। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर 1/r रूट के अंदर l बटा में c। अब आपसे कह रहा है कि आपने प्रतिरोध को बढ़ाया, मतलब आप कह सकते हो कि q के व्युत्क्रमानुपाती है आपका r, r को आप बढ़ाओगे तो q आपका घटने वाला है, इसका मतलब आपका विशेषता गुणांक घटेगा, यानी कि कमी आने वाली है, तो कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारे उद्देश्य है आपको उस कंसेप्ट के साथ समझाना, ना कि रटना सिखाना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्किट में करंट कब वोल्टलेस होता है? वोल्टलेस मतलब वोल्टेज 0 कब हो सकता है, ये आपको बताना है। देखो सभी ने ओम का नियम तो पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है I R। देखो या तो आप करंट का मान आपका 0 हो तो वोल्टलेस आपका 0 हो सकता है, जब आपका R का मान 0 हो तो आपकी जो वोल्टेज है वो वोल्टलेस हो सकती है। तो यहां पर आप ऑप्शन देखोगे तो कहीं पर भी धारा का मान 0 नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रतिरोध का मान 0 है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, जब प्रतिरोध परिपथ का प्रतिरोध 0 होता है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आ चुका है, आठवां, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है, ऊर्जा की क्षति आपको बतानी है, तो किसमें होती है? केवल आल एल के द्वारा, केवल सी के द्वारा, केवल आर के द्वारा, पर के सभी के द्वारा? देखो बच्चों, जो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की क्षति होती है, अभी आपको मैंने बताया, आर परिपथ में होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एलसीआर परिपथ की बात कर रहा है, तो एलसीआर परिपथ जब अनुनाद की अवस्था में होता है तो ये आर परिपथ की भांति कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि एलसीआर में सबसे ज्यादा गुण किसके विद्यमान होते हैं? आर परिपथ के गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए आपका केवल आर के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व और संधारित्र प्रतिघात का अनुपात क्या है? बच्चों सबसे टॉप लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, करने के बाद मजा ही आ जाएगा। देखिए एक्सएल होता है प्रेरकत्व प्रतिघात, जिसका वैल्यू होता है ओमेगा एल। जो आपका प्रतिघात है एक्सी संधारित्र का, वो होता है 1/ωc। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, एक्सएल बटे में एक्सी पूछ रहा है, तो आप भाग लगा दोगे, भाग लगाओगे तो जो ओमेगा एल है ऊपर उसके पास कौन गुणा हो जाएगा? ओमेगा सी। तो यहां से कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर एल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखोगे बच्चों इसमें तो कहीं पर भी वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आपको ए और बी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप यदि इंग्लिश में देखते हो तो सी ऑप्शन आपको बिल्कुल नजर में आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रेणी संयोजित अनुनाद एलसीआर परिपथ में प्रतिघात शून्य होता है, धारा शून्य होता है, वोल्टेज शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी ने अनुनादी एलसीआर परिपथ पढ़ा होगा, तो एलसीआर परिपथ अनुनाद की अवस्था में कब होता है? जब आपका एक्ससी बराबर किसके हो जाता है? एक्सएल के, मतलब धारतीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर होता है, तो अनुनाद की अवस्था में होता है एलसीआर परिपथ। अब आपसे प्रतिघात पूछ रहा है, तो प्रतिघात तो आपकी जीरो होने वाली है ना भाई, क्यों? क्योंकि एक्ससी माइनस एक्सएल करोगे आप, दोनों बराबर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए आपका जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगा। प्रतिघात आपका क्या होता है? जीरो होता है, अनुनाद की अवस्था में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, काफी शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 200 है, इसको आप N1 मान लीजिए, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 10 है, यदि 240 वोल्ट ऐसी प्राथमिक कुंडली पर लागू है, इसको आप V1 मान लीजिए, तो द्वितीय कुंडली से आउटपुट होगा, यानी कि आपको V2 का मान निकाल के बताना है। देखो बच्चों आप सभी ने ट्रांसफार्मर की समीकरण पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ा तो बच्चों पढ़ लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे अव्वल दर्जे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूं समीकरण होती क्या है। देखो समीकरण होती है V1 बटे में V2, N1 बटे में N2, धारा होती है बच्चों अपोजिट, यहां I2 बटे में I1, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो मैं इनका यूज करने वाला हूं। तो देखिए V1 की वैल्यू कितनी है? 200, V2 का मान कितना है? N2 का मान 10, यहां पर आपका जो V1 है वो आपका 240 वोल्ट है, V2 आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 20 से आपका ये कट जाएगा क्या? 240, कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 12 बार, तो V2 का आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो V2 आपका निकल कर आ जाएगा 12 वोल्ट, तो ऑप्शन आपका B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बच्चों याद रख लीजिएगा, ये म्यूचुअल इंडेक्स पर कार्य करता है, यानी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में विद्युत धारा, ये बच्चों हमेशा पाई बाई टू कोण से क्या रहती है? पीछे रहती है, क्योंकि ग्राफ इसका कुछ इस तरह टाइप से आपका बनता है, आपने बढ़ाकर भी देखा, यहां पर ओमेगा टी होता है, यहां पर वोल्टेज होती है, यहां पर धारा होती है, ये आपका पाई बाई टू कोण होता है, तो जो धारा होती है वो वोल्टेज से हमेशा पाई बाई टू कोण पीछे रहती है। एल परिपथ में सी परिपथ पर पढ़ते हो तो उसमें धारा पाई बाई टू कोण आगे होती है। यहां तो आपसे शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ का पूछा है, यदि आपसे किसका पूछ लिया जाए? आपसे धारतीय यानी कि आपसे संधारित्र का पूछ लिया जाए तो आप पाई बाई टू कोण क्या करोगे? आगे करोगे। लेकिन फिलहाल क्या आपका आंसर होने वाला है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकत्व या संधारित्र में औसत शक्ति अपव्यय होता है। देखो बच्चों शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर में BI cos phi, डिपेंड करता है कलांतर पर। आप एल परिपथ और आप सी परिपथ की बात कर रहे हो तो इसमें जो कलांतर की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, कोस 90 का मान होता है 0 डिग्री, तो यहां से आप जो शक्ति आने वाली है वो शून्य आ जाएगी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों काफी शानदार शानदार, इनको आप बिल्कुल सीरियसली लेकर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र अनंतक प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। देखो अनंतक प्रतिरोध का मतलब है प्रतिरोध ज्यादा होना, प्रतिरोध ज्यादा होगा इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो डीसी के ही, डीसी में ही कार्य करता है संधारित्र, डीसी को ये अपने में से गुजरने नहीं देता, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट का मतलब होता है बच्चों एक के ऊपर एक परत रखकर इसको तैयार क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें शैथिल्य हानि को बचाना है, जिससे कि ऊर्जा हानि क्या हो, कम से कम हो। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऐसे करने से ऊर्जा की हानि को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का चरम मान, चरम मान कह दीजिए चाहे आप शिखर मान कह दीजिए, एक ही बात होती है, इसका मूल माध्य वर्गमान आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है आई आर एम एस बराबर में आई नोट बटे में रूट टू। बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के मैंने अलग से आपको अव्वल दर्जे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप जाइए और उनको देख लीजिए। तो आई नोट बटे रूट टू आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेंटअप एप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कोइल में घुमावों की संख्या क्रम से N1 तथा N2 है तो। हाँ जी, इस पर भी आपका क्वेश्चन बनने को बिल्कुल रेडी है और बनेगा एग्जाम 2024 में, आप छाप कर रख लीजिए। देखो बच्चों दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप इन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप इन ट्रांसफार्मर कहा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर, या आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है वो प्रथम कुंडली से क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसे आप जानते हो स्टेप ट्रांसफार्मर के नाम से। तो हम कह सकते हैं इसमें फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में ज्यादा होती है प्राथमिक कुंडली से, तो N2 ज्यादा होगा N1 से। तो ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यही ट्रांसफार्मर आपका स्टेप इन ट्रांसफार्मर होता तो फिर आपके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, किससे, दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या से। यह भी आप बच्चों ध्यान में रख लीजिएगा। डीसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या है, यह काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो संधारित्र की प्रतिघात का फॉर्मूला है xc बराबर 1/ ओमेगा सी, ओमेगा का मान है 2πfc। देखो आवृत्ति जो होती है ना डीसी की, वो आपकी जीरो होती है, डीसी जो करंट है उसकी आवृत्ति जीरो होती है। अब यहां जीरो आप जमाते हो तो नीचे आपको जीरो मिलेगा, एक में आप जीरो का भाग लगाओगे तो xc आपको इनफाइनाइट मिलने वाला है, जिसे आप कहते हो अनंत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात है, ये बच्चों एक से आपका हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। यदि स्टेप इन होता तो एक से क्या होता बच्चों, कम होता, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये कुछ बच्चों आपके विषयनिष्ठ प्रश्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इनको भी आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। हालांकि इनको भी मैं करवाने वाला हूं, बट पहले हम सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का खात्मा करते हुए चल रहे हैं। तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया, इसके बाद चैप्टर 8वें 9वें से आपको कंटिन्यू वीडियोस बच्चों मिलती रहेगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भाई रख लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बच्चों अब समय नहीं है, समय किसी का कोई इंतजार नहीं करता, किसी का गुलाम नहीं है, समय को आपको गुलाम बनाना है तो आज से ही पढ़ाई में लग जाइए, और उस दिन इंतजार कीजिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, तो लगेगा वास्तव में हमने कुछ किया है। तो आई होप कि फिर आपसे मुलाकात होगी एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।